राजधानी भोपाल के निषादपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार रात को रहवासियों ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर जोरदार हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं अब इस पूरे मामले में सांसद ने ट्वीट कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। हमेशा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिर से चर्चाओं में है। दरअसल राजधानी भोपाल के निषादपुरा थाना क्षेत्र स्थित अपने प्लॉट से सांसद कब्जा हटवाने पहुंची थी, जहां बनाई गई एक दीवार को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इससे रहवासियों ने जमकर हंगामा कर दिया, जहां हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस दौरान रहवासियों ने कहा कि शमशान घाट की दीवार को तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे शमशान घाट यहाँ पे 300 साल पुराने हैं और प्रज्ञा मैडम ने प्लाट लिया उधर 5000 स्क्वायर फुट और हमारा मकान जो तोड़ दिया शमशान घाट। हमारी बाउंड्री तोड़ दी, हमें सूचना नहीं दी। हम प्रज्ञा ठाकुर से मिलने गए, हमसे मिली नहीं, बंगले में अंदर बैठी रही। हमने उनको आवेदन दिया, मैडम आपकी जगह निकल रही है, आप ले लो या हमें दे दो। जैसे भी चलाई रात को हमारे गांव वालों के ऊपर मशीन चढ़ा दी। वहीं इस पूरे मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि सरकारी जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है। उन्होंने ट्रस्ट की जमीन का समतलीकरण नहीं करने देने का भी इल्जाम लगाया। मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।